तो दोस्तों आपके लैपटॉप पीसी कंप्यूटर में अगर ब्लूटूथ आपके मोबाइल से आपके स्पीकर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपके लैपटॉप पीसी में कहीं ना कहीं जो ब्लूटूथ का ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल नहीं है। अब ब्लूटूथ का ड्राइवर आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पीसी में, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च करना होगा intel.com। देन उसके बाद जैसे ही ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, राइट साइड कॉर्नर पर देखेंगे डाउनलोड लिखा हुआ है सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर वायरलेस, इस आइकॉन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ड्राइवर विंडोज 10, ठीक है, 64 बिट का, इस पर क्लिक कर देना है। हमने ड्राइवर को सिलेक्ट किया, विंडोज 64 बिट जो है इस पर क्लिक किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। देन उसके बाद यहाँ पर इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ फॉर विंडोज एंड विंडोज 11, इसी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, यहाँ पर 64 बिट का दिखेगा आपको, आपको देख लेना है कि आपका जो सिस्टम है किसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर 64 बिट आपको मिल जाता है और यहाँ पर 32 बिट का मिलता है, विंडोज 11 दिखा रहा है तो ये दोनों में चल जाएगा, विंडोज 11 और 10 में 64 बिट का। यहाँ पर नीचे देखेंगे विंडोज 10 लिखा हो 32 बिट का, तो आप चेक करिएगा अपने सिस्टम में कितने बिट का है आपका सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर 64 पे हमने किया, इंटेल के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, लाइसेंस एग्रीमेंट को। देन इसके बाद फाइल हमारी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अब जो है हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे सेटिंग, और सेटिंग के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ ब्लूटूथ आ चुका है, और इसको ऑन करते हैं और देखिए हमारा जो है ब्लूटूथ वर्क करना शुरू कर दिया है। सो इस तरह से आप भी जो है ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं होगा इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, और ऐसे में आप कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।